हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आई अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमबीबीएस मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान शासन व्यवस्था राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्रेडरिक विंसलो टेलर के बारे में। और जो फ्रेडरिक विंसलो टेलर है, इन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है। और इसी के साथ आज का जो लोक प्रशासन का सिद्धांत का टॉपिक है, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा वैज्ञानिक प्रबंध। ठीक है, तो वैज्ञानिक प्रबंध क्या है इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले इसके बारे में जान लीजिए कि वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कौन है। तो वैज्ञानिक प्रबंध का जनक फ्रेडरिक विंसलो टेलर है, जो यहाँ पर आपको ये फोटो दिखाई जा रही है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद में इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये देखिए। तो इनका जन्म कब हुआ था फ्रेडरिक विंसलो टेलर का, तो 20 मार्च 1856 ईस्वी को इनका जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के जर्मन टाउन में हुआ था। और जर्मन टाउन कहाँ पर आता है, तो यह फिलाडेल्फिया में आता है। तो यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 नंबर में कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। इसके बाद फिर इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर होती है, तो आपको याद रखना है इनकी प्रारंभिक शिक्षा जर्मनी और फ्रांस में हुई थी। इसके बाद फिर इनकी ग्रेजुएशन या इनकी जो स्नातक शिक्षा हुई थी, तो ये किस में होती है, तो इन्होंने मैकेनिकलिंग में या मैकेनिकल से इंजीनियरिंग की उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी। तो ये मैकेनिकल इंजीनियर थे। तो इनकी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा हुई थी, ये कहाँ से प्राप्त की थी इन्होंने, तो हावोकॉन स्टीवेंसन प्रौद्योगिकी संस्थान न्यूजर्सी। और न्यूजर्सी कहाँ पर आता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है न्यूजर्सी, ये आपको याद रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने किस किस कंपनी में कार्य किया है, तो आपको याद रखना है इन्होंने मिडवेल स्टील कंपनी में पहले कार्य किया था, 1878 में इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया था। फिर इसके बाद में प्रबंधन स्तर पर इन्होंने काम किया था बेथलेहम स्टील कंपनी 1898 से। ठीक है, फिर इसके बाद में इन्होंने कई सिद्धांत दिए वैज्ञानिक प्रबंधन के क्षेत्र में, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर इसके बाद में इनकी मृत्यु कब होती है, तो इनकी मृत्यु फ्रेंड याद रखना आप लोग 21 मार्च 1915 ईस्वी को हो जाती है। ठीक है, तो प्रबंधन के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान रहा है, वैज्ञानिक तरीके इन्होंने बताए हैं, इसलिए इन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखें वैज्ञानिक प्रबंधन। तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, ये लोक प्रशासन के सिद्धांत में पहला टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब इसमें देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध को पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ होता है कि विशिष्ट ज्ञान से किसी कार्य को करना या किसी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करना ही वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। ठीक है, तो वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, तो इसको 3 नंबर में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विशिष्ट ज्ञान से किसी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करना वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। ठीक है, ये वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ होता है, 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके बाद में जो वैज्ञानिक प्रबंध के जनक हैं फ्रेडरिक विंसलो टेलर, ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा इसके बारे में, तो देखिए इसमें, तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में कहा है कि यह जानने की कला कि तुम व्यक्तियों से क्या करवाना चाहते हो, तथा यह देखना कि वे सबसे उचित एवं सस्ते ढंग से कार्य कैसे करते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। यह फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ बताया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर इनके जो रचनाएं हैं, तो इनकी रचनाओं को मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि जो वैज्ञानिक प्रबंध होता है, तो वैज्ञानिक प्रबंध के द्वारा उपलब्ध संसाधनों का उचित प्रयोग कर न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद फिर इसमें अनुसंधान एवं प्रयोग, आंकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण एवं उनके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, ये होता है वैज्ञानिक प्रबंध। ठीक है फ्रेंड, तो जो वैज्ञानिक प्रबंध होता है इसके तहत क्या करते हैं, तो वैज्ञानिक प्रबंध में संसाधनों का उचित प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जाता है। इसके बाद इसमें अनुसंधान किया जाता है। फिर इसके बाद में कई प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद में डाटा कलेक्शन का कार्य किया जाता है। फिर डाटा एनालिसिस का कार्य भी किया जाता है। उसके बाद फिर सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। तो ये सब आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए, इसमें वैज्ञानिक प्रबंध शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वैज्ञानिक प्रबंध नामक शब्द सबसे पहले
लुइस ब्रांडिस ने किया था जो आपको ध्यान रखना है। और कब किया था इस शब्द का प्रयोग उन्होंने, तो सबसे पहले 1910 ईस्वी में इन्होंने इस वैज्ञानिक प्रबंध शब्द का उपयोग किया था लुइस ब्रांडिस ने, जो आपको याद रखना है। इसके बाद फिर टेलर ने 1911 में, ठीक है, तो टेलर ने 1911 ईस्वी में एक पुस्तक में, इनके पुस्तक का नाम था वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, ठीक है, तो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत पुस्तक में 1911 में जब इनकी पुस्तक प्रकाशित होती है तो इसमें उन्होंने इसका वर्णन किया था वैज्ञानिक प्रबंध का, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि प्रबंध का सामान्य अर्थ प्रबंध की कार्यों में वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करना है, ये इन्होंने बताया था। फिर इसे में उन्होंने कहा था कि सांगठनिक कुशलता, मतलब संगठन की कुशलता और मितव्ययिता को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक प्रबंध शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये इन्होंने कहा था फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने। इसके बाद फिर इस सिद्धांत की शुरुआत करने वाले टेलर नहीं थे, बल्कि उनके पहले चार्ल्स वेबेज, हेनरी और फिर इसके बाद फ्रेडरिक हालसी और इसके बाद में हेनरी मेटकॉफ आदि वैज्ञानिक प्रबंध की कुछ पद्धति और तकनीक विकसित करके चले गए थे, लेकिन जो व्यवस्थित रूप से शुरू किया था ये फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने शुरू किया था, जो आपको याद रखना है। इसके बाद फिर इसी वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में टेलर कहते हैं कि प्रबंध सच्चा विज्ञान है जो सुनिश्चित नियमों, विधियों एवं सिद्धांतों पर आधारित होता है, ये इन्होंने कहा है। इसके बाद फिर टेलर के इस योगदान ने इस पूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया इन्होंने, इसी कारण से इन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर में कि वैज्ञानिक प्रबंध का जनक किसे कहते हैं, तो वैज्ञानिक प्रबंध का जनक फ्रेडरिक विंस्लो टेलर को कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे, अगला आता टेलरवाद, तो टेलरवाद क्या है ये देखिए इसमें, तो प्रबंध सिद्धांत को फ्रेडरिक विंस्लो टेलर की देन माना जाता है और इस सिद्धांत के संबंध में उनके योगदान के कारण ही इसे टेलरवाद कहते हैं, ठीक है। और टेलर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 20वीं शताब्दी के आरंभ में उद्योग के प्रबंधन पर गंभीर शोध किए थे। टेलर कहते थे कि सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन असली विज्ञान है जो हर तरह की मानवीय गतिविधियों में लागू होता है, ये इन्होंने कहा था फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने। इसके बाद फिर देखिए प्रबंध सिद्धांत क्या है, तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत से पहले के सिद्धांतों जैसे नौकरशाही आदि में संगठन में दायित्व को निचले स्तर पर थोप दिया जाता था और इस सिद्धांत ने पहली बार संगठन के कार्यों से संबंधित उत्तरदायित्व के निर्वहन में प्रबंधक की भूमिका स्पष्ट की, इसलिए इस सिद्धांत को प्रबंध सिद्धांत भी कहते हैं। इससे पहले क्या होता था, तो जब तक टेलर ने सिद्धांत नहीं दिया था तो उससे पहले जितने भी उच्च अधिकारी होते थे तो वे सारे काम किसको सौंप देते थे, सब अपने अधीनस्थ को सौंप देते थे, अब अधीनस्थ काम करता रहता था। तो टेलर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो प्रबंधक है तो उसको भी उसके काम करना चाहिए, जिसको जो कार्य दिया गया है या जिसका जो काम है उसको उसका काम करना चाहिए, ये टेलर ने बोला था। तब से ये सारे कार्य होने लगे हैं और इसी कारण इनको वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है और इसी सिद्धांत को प्रबंध सिद्धांत कहा गया है, तो इसीलिए फिर टेलर, और देखो क्या कहते हैं, तो टेलर के शब्दों में, तो टेलर ने कहा है कि वैज्ञानिक प्रबंध किसी विशिष्ट संगठन या उद्योग में कार्य करने वाले सेवी वर्गों की दृष्टि में एक मानसिक क्रांति है, ये इन्होंने कहा है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने, ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए आगे कि इस सिद्धांत में पहली बार औद्योगिक संगठनों में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया गया, ठीक है, और इस सिद्धांत के द्वारा कैरेट एंड स्टिक, ठीक है, तो कैरेट एंड स्टिक के सिद्धांत को बदला गया, जो यह मानता था कि उद्योगों में कार्यों को या कार्मिकों को प्रलोभन, मतलब कैरेट, कैरेट मतलब होता है गाजर, ठीक है, और स्टिक मतलब दंड देकर ही उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और तो टेलर ने कहा था कि ऐसा नहीं है, ठीक है, तो टेलर का कहना यह था कि जो कार्मिक काम करते हैं इनको आप प्रलोभन देकर उत्पादन नहीं बढ़वा सकते या इन्हें दंड का भय दिखाकर आप इनसे उत्पादन नहीं बढ़वा सकते, ठीक है। तो इस सिद्धांत को नाम दिया गया है कैरेट एंड स्टिक।
ठीक है। तो उन्होंने कहा कि किसी भी कार्मिक को हम प्रलोभन देकर या उसे दंड का भय दिखाकर हम उससे उत्पादन नहीं बढ़वा सकते, ठीक है। तो फिर इस प्रकार उन्होंने कैरेट एंड स्टिक के नियम को बदलकर उत्पादन को बढ़ाने के संबंध में कई अध्ययन किए थे, कई प्रयोग किए थे। तो उनके अध्ययनों में जैसे आता है कार्य अध्ययन, ठीक है। तो कार्य अध्ययन इसमें क्या बताया उन्होंने, तो इसमें यह देखा गया कि एक कार्मिक निश्चित समय में कितना कार्य कर सकता है। दूसरा उन्होंने देखा गति अध्ययन। अब इस अध्ययन में उन्होंने बताया कि इसमें कार्य की गति को देखा गया था कि कोई भी कार्मिक कितनी गति से कार्य कर पाता है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला जाता है थकान अध्ययन। तो इसके अंतर्गत कार्य करते समय थकान उत्पन्न करने वाले कारकों का अध्ययन किया गया था कि जब कार्मिक कार्य करता है तो वह किन किन कारणों से अधिक थकता है। तो ये सब इनका उन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैरन एंड स्टिक सिद्धांत क्या है, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने कैरन एंड स्टिक के बदले में किस एक अध्ययन को स्पष्ट किया था। तो ये अध्ययन उन्होंने किए थे 3 अध्ययन, कार्य का अध्ययन, गति का अध्ययन और थकान का अध्ययन। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे कि तत्कालीन समय में कारखानों एवं उत्पादन केंद्रों में कुछ समस्याएं थी। मतलब जब टेलर ने देखा कि व्यक्ति काम क्यों नहीं कर पाता ठीक से, उत्पादन क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसके संबंध में फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने कारखानों में कुछ समस्याओं का वर्णन किया था। तो उस समय कौन कौन सी समस्याएं थी कारखानों में, ठीक है, और उत्पादन केंद्रों में। तो देखिए इसमें पहली समस्या यह थी कि इनके द्वारा अपनाई गई पद्धति, उपकरण आदि के उचित अनुचित होने के संबंध में प्रबंधकों को कोई चिंता नहीं थी। जैसा काम चल रहा है चलने दो, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा है कि श्रमिक अपने कार्य के लिए पद्धति चुनने में स्वतंत्र थे तथा कार्य करने के उपकरण में स्वयं साथ लाते थे। अर्थमत में जो श्रमिक वर्ग थे, तो श्रमिक अपने कार्य के लिए पद्धति चुनने में स्वतंत्र थे। मतलब किस श्रमिक को कौन सा कार्य करना है, तो मैनेजमेंट या फिर जो मैनेजर होता था, प्रबंधक होता था, ये डिसाइड नहीं करता था। तो श्रमिक अपने हिसाब से काम को चुन लेते थे कि मुझे ये काम करना है, ठीक है। तो वो इसके लिए स्वतंत्र भी थे और कार्य करने के जो उपकरण थे तो वे खुद अपने साथ लाते थे। ये समस्या थी। इसके बाद फिर अगली समस्या यह थी कि कारखानों और उत्पादन केंद्रों में नियोजन का विकास नहीं हुआ था, कोई एक पहले से योजना तय नहीं की जाती थी। इसके बाद फिर अगला है कि कार्य एवं कार्य पद्धति के प्रमाणीकरण का पूर्ण अभाव था, ठीक है। इसके बाद फिर अगला है कि कार्य पद्धति और उपकरणों के प्रति प्रबंधकों की इस उपेक्षा के परिप्रेक्ष्य में प्रबंध संबंधी नए दर्शन के रूप में वैज्ञानिक प्रबंध का उदय हुआ था। तो ये सारी बातें आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद में कि टेलर के द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई थी वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में, ठीक है। तो वैज्ञानिक प्रबंध में इनका मुख्य रूप से योगदान रहा है और इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी है और इन पुस्तकों में उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध के संबंध में वर्णन किया है। तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें देखिए, लिखी तो बहुत सारी किताबें थी लेकिन कुछ महत्वपूर्ण है, जिसमें पहली इंपॉर्टेंट बुक है इनकी ए पीस रेट सिस्टम, यह 1895 ईस्वी में लिखी गई थी, ठीक है। और इसमें टेलर ने 3 आधार बताए थे। तो 3 आधार कौन कौन से बताए थे, पहला आधार बताया इन्होंने वेतन की दरें विभेदात्मक हो, मतलब वेतन अलग अलग होना चाहिए, जो जिस स्तर का कार्मिक है उसकी सैलरी या उसका वेतन उस स्तर का होना चाहिए। फिर इसके बाद में अगला है कि वेतन पद के स्थान पर व्यक्ति को देना, मतलब वेतन पद के स्थान पर व्यक्ति को देना, ठीक है। तो वेतन किसे दिया जाना चाहिए, एक व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। इसके बाद फिर जिसका जैसा पद है उसके अनुसार वेतन व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, ये इन्होंने इसमें बताया था। इसके बाद फिर अगला है समय अध्ययन के स्थान पर कार्य का विश्लेषण कर श्रमिकों को कार्य सौंपना, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया था इस पुस्तक में ए पीस रेट सिस्टम में, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगली आ जाती है बुक का नाम शॉप मैनेजमेंट, और जो शॉप मैनेजमेंट बुक है यह 1903 ईस्वी में लिखी गई थी, ठीक है। तो 1930 में जब ये बुक लिखी थी इन्होंने, तो इसमें क्या लिखा था, तो इसमें इन्होंने लिखा कि इसमें निचले स्तर के प्रबंध के बारे में इन्होंने बताया था कि निचले स्तर पर मैनेजमेंट किस तरीके का होना चाहिए, ये इन्होंने बताया था।
इसके बाद फिर अगली बुक आती है आर्ट ऑफ कटिंग मेटल, यह 1906 में इनके द्वारा लिखी गई थी और इसमें इन्होंने वर्णन किया था कि धातुओं को कैसे काटा जाए, ठीक है, तो जो आयरन होता है, लोहा होता है, उसको कैसे काटा जाए, उसको किस एंगल से काटा जाना चाहिए, ये इन्होंने बताया था इस आर्ट ऑफ कटिंग मेटल बुक में। इसके बाद फिर अगली बुक आती है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, 1911 में यह किताब लिखी गई थी और इसमें वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत तथा तकनीकों के बारे में इन्होंने लिखा था। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर अब आगे देखिए वैज्ञानिक प्रबंध के मूल आधार क्या हैं। तो जो विदेश वैज्ञानिक प्रबंध की बातें हम कर रहे हैं तो इसके मूल आधार क्या हैं, तो देखिए इसमें तो जो फ्रेडरिक विंसलो टेलर थे तो इन्होंने अपने लेख के आधार पर वैज्ञानिक प्रबंध के कुछ महत्वपूर्ण आधार या मूलभूत आधार बताए हैं, जिसमें पहला आधार है कि परंपरागत पद्धतियों के स्थान पर वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाना। तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर कहते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत श्रमिकों के द्वारा किए जाने वाले कार्य के प्रत्येक हिस्से के लिए वैज्ञानिक पद्धति को विकसित किया जाना चाहिए और इसके द्वारा जो पुरानी पद्धतियां हैं उनको हटा दिया जाना चाहिए। ठीक है, और इसका उद्देश्य है कि वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा परंपरागत वस्तुओं का परीक्षण कर यदि वे सही हैं तो उनको उपयोग में लाया जाए और नहीं है तो उनको खत्म कर दिया जाए या उनका त्याग कर दिया जाए। इस कार्य में टेलर ने विज्ञान का उपयोग किया और इसीलिए उन्होंने कहा था कि वैज्ञानिक प्रबंध 756 विश्लेषण और 25 सामान्य बुद्धि है, ये उन्होंने कहा था। अतः वैज्ञानिक प्रबंध परंपरा, अंतर्ज्ञान, अंधविश्वास पर आधारित न होकर यह विज्ञान पर आधारित होता है, यह टेलर ने कहा था। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर आगे देखिए टेलर के द्वारा कुछ प्रतिपादित वैज्ञानिक पद्धतियां हैं। तो टेलर ने कौन कौन से वैज्ञानिक विधियां या पद्धतियों को अपनाने के लिए कहा था, तो देखिए इनकी पहली विधि है कि निश्चित या नियम निश्चित करना। तो जो भी आप कार्य करें तो उसके लिए एक नियम निश्चित होना चाहिए। दूसरा है कि काम में आने वाली पद्धतियों को प्राप्त किए हुए नियमों के अनुरूप बनाना और इसके लिए पद्धति और नियम दोनों का परीक्षण करना। इसके बाद फिर अगला आता है यह देखना कि प्राप्त किया हुआ नियम व्यवहार में काम में आता है या नहीं और आवश्यकता अनुसार नए अनुभवों के आधार पर उसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं। फिर इसके बाद में अगली विधि इन्होंने बताई कि तथ्यों का सावधानी से निरूपण करना। ठीक है, इसके बाद फिर अगला इन्होंने बताया कि सही अध्ययन तथा व्याख्या की सुविधा की दृष्टि से तथ्यों का वर्गीकरण करना है। फिर इसके बाद में अगला है कि वर्तमान स्थिति को ठीक ढंग से समझने के लिए उस स्थिति को उत्पन्न करने वाले नियमों का पता लगाने के लिए वर्गीकृत तथ्यों का विश्लेषण भी करना चाहिए। तो ये इन्होंने वे विधि के बारे में बताया था जो आपको ध्यान रखना है। पांच नंबर में यह विधि पूछी जा सकती है कि टेलर के द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक विधि लिखिए, तो ये आपको लिखना होगा। अब देखिए फ्रेंड इसमें कि प्रत्येक कर्मचारी का उसकी अधिकतम कुशलता एवं संपन्नता तक विकास करना। तो वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कर्मचारियों का चुनाव वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया जाता है और चुनाव के पश्चात कर्मचारियों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है और उन्हें उनको रुचि एवं योग्यता के अनुसार उन्हें कार्य सौंपा जाता है। ठीक है, तो कार्य करने की अधिकतम उन्हें सुविधा भी प्रदान की जाती है और उसके बाद फिर उन्हें प्रेरणात्मक मजदूरी, मतलब जो भी जब काम करेगा कोई भी श्रमिक, तो उस श्रमिक के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा तो उसको उसकी मजदूरी दी जाएगी लेकिन उसका भुगतान एक पद्धति के तहत किया जाएगा। ठीक है, जैसे आज हम देखते हैं कि जब पेमेंट किया जाता है या किसी की मजदूरी का भुगतान किया जाता है तो कुछ नगद रूप में दिया जाता है, अब वर्तमान में ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। ठीक है, किस तारीख को दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, ये सब उस समय टेलर ने ही बताया था। इससे प्रत्येक श्रमिक को अपना पूर्ण विकास करने एवं आर्थिक स्थिति में सुधार करने का अवसर भी प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे देखिए अगला जाता है भिन्नता के स्थान पर एकता। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कच्चे माल, मशीनों, इसके बाद फिर कार्य पद्धतियों आदि का प्रमापीकरण तथा सरलीकरण भी किया जाता है जिससे भिन्नता के स्थान पर एक रूपता आ जाए। श्रमिकों तथा मालिकों की विचारधारा में भी आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है।
जिससे वे एक दूसरे को अपना सहयोगी समझने लगते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है व्यक्तिवाद के स्थान पर सहकारिता। सहकारिता मतलब यहां पर है सहयोग, ठीक है। तो वैज्ञानिक प्रबंध में व्यक्तिवाद के स्थान पर सहकारिता को अपनाया जाता है और इसमें श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण के सिद्धांतों का अधिकतम प्रयोग किया जाता है और सहकारिता या सहयोग की भावना का विकास होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला है कि सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन। तो वैज्ञानिक प्रबंध में सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन करने के प्रयत्न किए जाते हैं, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है वैज्ञानिक प्रबंध एक प्रगतिशील एवं परिवर्तनशील विचार होता है। तो ये कैसे, तो देखिए, तो वैज्ञानिक प्रबंध विकास एवं परिवर्तन के सिद्धांत को सर्वोपरि मानता है, ठीक है। यह कोई स्थिर सिद्धांत नहीं है, इसको नई परिस्थितियों एवं विकास के संदर्भ में परिवर्तित होना पड़ता है, ठीक है। इसलिए इसकी दृष्टि सदैव सुधार की दृष्टि होती है। इसके बाद फिर अगला आता है वैज्ञानिक प्रबंध का समस्त दृष्टिकोण एक उदारवादी दृष्टिकोण है। तो वैज्ञानिक प्रबंध का दृष्टिकोण समस्त उदारीकृत दृष्टिकोण होता है, ठीक है। और यह प्रमुखतः श्रमिक वर्ग के संपूर्ण विकास के लिए अत्यंत उदारवादी एवं प्रयत्नशील रहता है, ठीक है फ्रेंड। तो यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अब आगे देखें इसमें वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। तो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो इसमें देखिए तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के चार सिद्धांत बताए हैं। तो ये चार सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो देखिए इसमें पहला सिद्धांत उन्होंने बताया कार्य का मानकीकरण या कार्य का विज्ञान। दूसरा सिद्धांत बताया उन्होंने श्रमिकों का वैज्ञानिक आधार पर चयन एवं प्रशिक्षण। तीसरा उन्होंने बताया वैज्ञानिक तरीकों से नियुक्त करना एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों को समूह में आगे लाना। इसके बाद फिर अगला उन्होंने बताया कार्य विभाजन और उत्तरदायित्व। तो ये चार प्रमुख रूप से आधार उन्होंने बताए हैं, सॉरी सिद्धांत बताए हैं जो आपको याद रखना है। तो तीन नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत लिखिए। तो अगर वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत आपसे पूछे जा रहे हैं तो ये चार सिद्धांत आपको लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर तो पहला है कार्य का मानकीकरण या कार्य का विज्ञान, ठीक है। तो कार्य का मानकीकरण या कार्य का विज्ञान, इसका अर्थ क्या होता है, तो देखिए इसमें तो टेलर की मान्यता थी कि प्रबंधन निश्चित नियमों, इसके बाद कानूनों और सिद्धांतों पर आधारित एक सच्चा विज्ञान होता है और प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक कर्मचारी के लिए अधिकतम खुशहाली के साथ साथ नियोक्ता के कल्याण को भी सुनिश्चित करना होता है। ये प्रबंध का कार्य होता है और टेलर का ये विचार था कि उच्च उत्पादनशीलता के परिणामों का लाभ सभी व्यक्तियों को, मजदूरों को, कर्मचारियों को और उपभोक्ताओं को बराबर मिलना चाहिए, ये टेलर का मानना था। इसके बाद फिर अगला आता है श्रमिकों का वैज्ञानिक आधार पर चयन एवं उनका प्रशिक्षण। तो इसके अंतर्गत टेलर कहते हैं, तो टेलर का विश्वास था कि प्रत्येक कर्मचारी के पास कुछ न कुछ योग्यताएं अवश्य होती है जिनसे वह अपना विकास कर सकता है और इस विकास के कारण ही टेलर ने इस बात पर बल दिया था कि प्रत्येक कर्मचारी को व्यवस्थित रूप से एक पूर्णतः प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ठीक है। और टेलर यह भी मानते थे या टेलर का यह भी कहना था कि प्रबंधन का यह उत्तरदायित्व है कि कर्मचारी को उन्नति की सुविधाएं देकर उसकी प्राकृतिक क्षमताओं का पूर्ण उपयोग किया जाए, ये टेलर का कहना था, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर देखिए आगे अगला आता है कि वैज्ञानिक तरीकों से नियुक्त एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों को समूह में आगे लाना। देखिए इसमें टेलर कहते हैं कि कर्मचारियों को प्रेरित करने का उत्तरदायित्व ये प्रबंधन का होता है क्योंकि प्रेरणा की कर्मचारियों को अपना कार्य कुशलता से करने के लिए योग्य बनाती है। अगर किसी भी कर्मचारी को प्रेरित किया जाएगा, अभिप्रेरित किया जाएगा, तो वह अपना कार्य बहुत कुशलता से करेगा, ठीक है। इसलिए प्रबंधन का यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि वह अपने कर्मचारियों को समय समय पर अभिप्रेरित करे, जो आप वर्तमान में हम देखते हैं कि उद्योगों में ऐसा होता है, ठीक है। इसके बाद फिर टेलर का कहना था कि प्रबंधन और कर्मचारियों को एक साथ आगे लाने की प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन अर्थात एक मानसिक क्रांति लाने की आवश्यकता होती है।
इस धारणा के पीछे उनका यह विश्वास था कि कर्मचारी हमेशा प्रबंधन को सहयोग प्रदान करने की इच्छा रखते हैं, परंतु प्रबंधन की तरफ से कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, ठीक है, और उल्टा जो प्रबंधन होता है तो उन्हें अभिप्रेरित करने के बजाय और उल्टा उनका विरोध करता है, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें बताई इसने टेलर ने जो आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखिए कार्य विभाजन और उत्तरदायित्व। तो टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन प्रबंधन और कर्मचारियों को समान जिम्मेदारी की वकालत करता है, ठीक है, और इस प्रयोजन से टेलर सही विभाजन कर प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच जिम्मेदारी को बांटना चाहते थे। तो टेलर ने कहा कि प्रबंधन और कर्मचारियों के पास सबके पास अपने अपने अलग अलग काम होना चाहिए। प्रबंधन का काम जो प्रबंधक होगा वह संभाले और श्रमिक स्तर का जो कार्य है वह श्रमिक वह कार्य करे। तो ये ऐसे सबको उन्होंने कार्य बांटने की वकालत की थी, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर के ये चार सिद्धांत यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा और भी एक सिद्धांत है जिसका नाम है कार्यात्मक फॉरमैनशिप। तो देखिए इसमें टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के संबंध में एक और महत्वपूर्ण तकनीक बताई थी जिसको कार्यात्मक फॉरमैनशिप के नाम से जाना जाता है। और इस कार्यात्मक फॉरमैनशिप में क्या होता है तो देखिए, तो इसके अंतर्गत टेलर ने कहा था कि आदेश की एकता के स्थान पर एक अधीनस्थ पर 8 पर्यवेक्षक होना चाहिए, यह इन्होंने कहा था टेलर ने, जिसमें 4 नियोजन अधिकारी होना चाहिए और 4 उत्पादन कार्यान्वयन अधिकारी होना चाहिए, ये इसने कहा था टेलर ने, ठीक है। इसके बाद फिर उन्होंने इस कार्यात्मक फॉरमैनशिप को कुछ पार्ट में डिवाइड किया है। तो देखिए इसमें जो कार्यात्मक फॉरमैनशिप होती है, तो कार्यात्मक फॉरमैनशिप में नीचे कौन आएगा, कारखाना प्रबंधक, ठीक है, तो जो भी है कंपनी का मैनेजर इसमें आएगा, कंपनी का प्रबंधक इसमें आएगा, और फिर इस कंपनी के या कारखाना के प्रबंधक के नियंत्रण में 2 अधिकारी होना चाहिए। तो ये 2 अधिकारी कौन कौन, तो एक होना चाहिए नियोजन अधिकारी और दूसरा होना चाहिए उत्पादन या कार्यान्वयन अधिकारी, ये 2 अधिकारी होना चाहिए इसने कहा। फिर इसके बाद में ये जो 2 अधिकारी होते हैं, नियोजन अधिकारी और उत्पादन या कार्यान्वयन अधिकारी, इनके फिर नियंत्रण में और 4-4 होना चाहिए। तो देखिए इसमें उन्होंने कहा था, तो अगला देखिए इसमें, अब जो नियोजन अधिकारी होगा, तो नियोजन अधिकारी के नियंत्रण में कौन कौन होंगे, तो इसमें एक होगा कार्यक्रम क्लर्क, फिर समय एवं लागत क्लर्क, दूसरा होगा निर्देश क्लर्क, चौथा होगा कारखाना अनुशासक। ऐसे नियोजन अधिकारी के अंतर्गत ये 4 क्लर्क और एक अनुशासक आता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नियोजन अधिकारी के अंतर्गत इसने बताया टेलर ने जो आपको ध्यान रखना है, तो 4 इसमें हो गए नियोजन अधिकारी के नियंत्रण में। अब इसके बाद में जो उत्पादन या कार्यान्वयन अधिकारी था, तो इसके नियंत्रण में फिर 4 होते थे। तो 4 कौन होते थे, तो इसमें एक गैंग बॉस, फिर स्पीड बॉस, फिर रिपेयर बॉस और निरीक्षक, ये ऐसे 4-4 लोग होते थे और ये सभी लोग मिलकर श्रमिकों पर नियंत्रण करेंगे, ये उसने बताया था टेलर ने। इन सभी को मिलाकर कहा जाता है कार्यात्मक फॉरमैनशिप, ठीक है फ्रेंड, जो आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 नंबर में कि कार्यात्मक फॉरमैनशिप को लिखिए। अगर 3 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है तो आपको बस ये डायग्राम बना देना है, पूरे 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद देखिए वैज्ञानिक प्रबंध के उपयुक्त सिद्धांतों का सारांश निम्न बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। तो जो सिद्धांत हमने आपको बताए हैं, तो इन सिद्धांतों को कुछ बिंदुओं के अंतर्गत हम स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है, या इनका सारांश है। तो देखिए इसका पहला सारांश यह हो जाता है कि अंगूठे के नियम के स्थान पर विज्ञान का विकास। अब ये अंगूठे का नियम क्या होता है, इसको इंग्लिश में रूल ऑफ थंब कहा जाता है, मतलब अनुभव पर आधारित नियम, मतलब जो पुराने समय से कार्य करते आ रहे हैं वही कार्य और करते रहना। तो इसके लिए टेलर ने मना किया था कि जो परंपरागत तरीके से कार्य किया जा रहा है, ठीक है, एक ही कार्य को बार बार किया जा रहा है, तो इसके स्थान पर विज्ञान का विकास किया जाए, नए नए तरीकों को खोजा जाए, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा होता है सामंजस्य को बढ़ावा दिया जाए, न कि आपसी कलह को, ठीक है, मतलब सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, न कि आपस में जो संघर्ष होता था, विवाद होता था, उसको नियंत्रित किया जाना चाहिए। फिर इसके बाद में अगला है सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, न कि व्यक्तिवाद को। तो जब सभी लोग मिलकर कार्य करेंगे तो किसी भी संगठन का विकास तेजी से होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा, और अगर व्यक्ति अकेला कार्य करेगा तो उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी। इसके बाद फिर अगला आता है अधिकतम उत्पादन पर ध्यान दिया जाए,
ना कि सीमित उत्पादन पर। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो ये लक्ष्य होना चाहिए, ना कि सीमित उत्पादन पर। फिर इसके बाद में अगला बताया उन्होंने कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकतम विकास होना चाहिए, ये इन्होंने कहा था टेलर ने। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो चारों सारांश पांचों पॉइंट हमने बताए आपको, तो ये तो हमने उपयुक्त सिद्धांत का सारांश बताए हैं। तो अगर तीन नंबर में आपसे पूछा जाता है कि टेलर के द्वारा दिए गए सिद्धांतों का सारांश लिखिए, तो ये आपको लिखना होगा। अब इसको पांच नंबर में अगर पूछा जाता है तो इन सबको डिस्क्राइब करना होगा जो हम आपको आगे बता रहे हैं। तो देखिए इसमें पहला है अंगूठे के नियम के स्थान पर विज्ञान का विकास। तो टेलर अपने वैज्ञानिक प्रबंध में विज्ञान के विकास पर जोर देते हैं। ठीक है, और वे कहते हैं कि संगठन में प्रत्येक कार्य वैज्ञानिक विधि से किया जाना चाहिए, न कि अंगूठे के नियम के आधार पर। अंगूठे के नियम के आधार पर मतलब पुराना जो परंपरागत तरीका है उसके आधार पर कार्य नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद फिर श्रमिकों का कार्य या श्रमिकों की कार्य विधि पूर्णतः वैज्ञानिक अनुसंधान व विश्लेषण पर आधारित होनी चाहिए। टेलर ने शारीरिक और बौद्धिक गुणों वाले श्रमिकों के वैज्ञानिक पद्धति से चयन करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया था, और उन्होंने कहा था कि वैज्ञानिक प्रबंध यह मानकर चलता है कि प्रत्येक कार्य को करने के लिए एक अच्छा तरीका होता है, और यह सर्वोत्तम तरीका हमेशा सिद्धांतों में बदला जा सकता है। और इस प्रकार परंपरागत सिद्धांत के स्थान पर अगर नए सिद्धांत का उपयोग किया जाएगा तो इससे संगठन अधिक फायदे में रहेगा, संगठन में उत्पादन अधिक होगा, ये टेलर का कहना था। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फिर अगला आ जाता है सामंजस्य को बढ़ावा दिया जाए, न कि आपसी कलह को। तो टेलर का विचार था कि किसी भी औद्योगिक संगठन के दो महत्वपूर्ण आधार होते हैं, एक तो श्रमिक होता है और दूसरा प्रबंधक होता है। अगर किसी भी कंपनी में, किसी भी उद्योग में अगर ये दो लोग ठीक से काम करेंगे तो संगठन का विकास जल्दी होगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि दोनों के समन्वित प्रयासों से ही उद्योग का कुशल संचालन किया जा सकता है, और दोनों पक्षों के मैत्रीपूर्ण संबंधों और हित सामंजस्य के माध्यम से ही वे पारस्परिक या पारस्परिक कल्याण की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ठीक है, अतः टेलर ने कहा था कि दोनों पक्षों के संघर्ष को छोड़कर पारस्परिक सद्भावना से कार्य करने के लिए प्रेरित किए जाते हैं। मतलब टेलर ने कहा कि ये जो प्रबंधक वर्ग होता है और श्रमिक वर्ग होता है, अगर इन दोनों के बीच में विवाद होता रहेगा तो जो भी संगठन है या जो भी उद्योग है या कोई कंपनी है तो वह सक्सेस नहीं हो सकती। तो इन दोनों को मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, दोनों को आपसी सामंजस्य से कार्य करना चाहिए, इनमें सभी में तालमेल होना चाहिए, ये टेलर ने कहा था। फिर टेलर का यह मानना था कि श्रमिक व प्रबंधकों के हित जुड़े होते हैं, और अधिकतम उत्पादन होने पर नियोक्ता द्वारा प्रबंध व श्रमिकों को उच्च वेतन दिया जाना चाहिए। अतः उत्पादन में वृद्धि करने के लिए संयुक्त प्रयास किया जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा था टेलर ने। इसके बाद फिर देखिए आगे तीसरा आता है, इसमें सहयोग को बढ़ावा दिया जाए न कि व्यक्तिवाद को। तो वैज्ञानिक प्रबंध में श्रम विभाजन व विशिष्टकरण के महत्व को स्वीकार किया जाता है, और एक ही कार्य को कई उपकार्यों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक उपविभाग का कार्य व्यक्तियों या श्रमिक समूहों के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग में रुई साफ करने का काम अलग किया जाता है, फिर सूत काटने का काम अलग किया जाता है, फिर कपड़ा बुनाई का कार्य अलग किया जाता है, फिर इसके बाद रंगाई छपाई का काम अलग किया जाता है, फिर पैकिंग वाले अलग पैकिंग का काम करते हैं। तो जब हर व्यक्ति ऐसा अलग अलग काम करेगा तो वह उस काम का एक्सपर्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर कार्य में शीघ्रता आती है और इससे उत्पादन में भी वृद्धि होती है। ठीक है, और यह उत्पादन विभिन्न विभागों में कार्यरत श्रमिकों के सामूहिक सहयोग का ही एक परिणाम होता है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इससे श्रमिकों में सहयोग की भावना उत्पन्न होती है, और कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन वैज्ञानिक प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य होता है, और यह उद्देश्य केवल सहयोग से ही संभव है, न कि व्यक्तिवादी प्रयासों से, और व्यक्तिवाद से कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकता। ठीक है फ्रेंड, इसमें काम अधूरा रहता है जब कोई व्यक्ति अकेला काम करता है, तो इसलिए वैज्ञानिक प्रबंध में सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। इसके बाद फिर अगला आता है, अधिकतम उत्पादन पर ध्यान दिया जाए न कि सीमित उत्पादन पर। तो वैज्ञानिक प्रबंध का उद्देश्य होता है कि श्रमिकों
और मालिक को दोनों की खुशहाली। अब श्रमिक और मालिक दोनों ही खुशहाल कब होंगे? तो यह तभी संभव है जब उद्यम अधिकतम उत्पादन करे, मतलब जो भी कंपनी है या जो फैक्ट्री है वह ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा तो इसमें मालिक को फायदा होगा। अब जब मालिक को प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियसली जो श्रमिक हैं उनकी भी सैलरी बढ़ेगी, सभी को इसमें फायदा होगा, ठीक है। तो विशिष्टीकरण व श्रम विभाजन अपनाने के कारण उत्पादन का पैमाना बड़ा होता है और आंतरिक एवं बाह्य मितव्ययताओं के कारण कम लागत पर अधिक उत्पादन किया जाता है। इसके बाद फिर उत्पादन करने से सभी वर्ग समूहों को लाभ प्राप्त होता है, श्रमिकों के ऊंचे वेतन, मालिकों को अधिक लाभ एवं उपभोक्ताओं को सस्ती वस्तुएं उपलब्ध होती है। इसलिए टेलर समेत उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन की बात पर जोर देते हैं। तो ये आपको सब ध्यान रखना फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर अगला आता है प्रत्येक व्यक्ति का अधिकतम विकास करना। तो वैज्ञानिक प्रबंध में कारखानों में जितने भी कार्य करने वाले श्रमिक होते हैं, ठीक है, तो श्रमिकों की भर्ती एवं चयन वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया जाना चाहिए और योग्य एवं दक्ष श्रमिकों का चयन किया जाना चाहिए और इसके बाद श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाए, इसके बाद में उन्हें कार्य पर लगाया जाए, फिर उनकी पदोन्नति की जाए और समय समय पर उनका स्थानांतरण भी किया जाए, फिर इसके बाद में एक समय सीमा के बाद में उनको कार्यमुक्त भी कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आदि अवस्थाओं में मनमानी के स्थान पर वैज्ञानिक आधारों का उपयोग किया जाना चाहिए, तो जो वैज्ञानिक तरीका है उसको अपनाया जाना चाहिए। और इसके बाद फिर श्रमिकों के वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप श्रमिकों की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है और उन्हें मजदूरी भी अधिक प्राप्त होती है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ये हमने फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के वैज्ञानिक सिद्धांतों का सारांश हमने आपको समझाया है, तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है। अब इसका जो बचा हुआ पार्ट है वह हम आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।